खबर अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कंटेनर और इको गाड़ी में भिड़ंत की यहां पर जानकारी मिल रही है। कंटेनर और इको में आमने सामने की ये टक्कर हुई और जोरदार ये टक्कर हुई। तस्वीरें आप देखिए, टक्कर के बाद इको गाड़ी के परखच्चे पूरी तरह से उड़ गए हैं। टक्कर के बाद इको गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और इस दर्दनाक हादसे में हुई है 5 लोगों की मौत। अलीगढ़ हादसे में 5 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। यूपी के अलीगढ़ में यह हादसा हुआ। गाड़ी कहीं से भी आप पहचान नहीं पाएंगे, गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और जिस तरीके से कंटेनर और इको में टक्कर हुई है। प्रदीप पुंडीर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ में। प्रदीप, इको वैन के तो देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि ये कभी गाड़ी हुआ करती थी। पूरी तरह से गाड़ी बर्बाद हो गई है, पर खच्चे उड़ गए हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गाड़ी में सवार जो लोग होंगे, कितनी दर्दनाक मौत उनकी हुई होगी। ये जो 5 लोग की मौत हुई है और 5 लोग जख्मी है, क्या सभी इको में सवार थे? देखिए, बिल्कुल जोरदार हादसा हुआ और जोरदार टक्कर में इको जो गाड़ी है उसके परखच्चे उड़ गए। और ये पूरी जो हादसा हुआ है, ये थाना खैर कोतवाली के सामने खैर मंडी है, वहां पर ये हादसा हुआ है। और ये हादसे में, जैसा कि आपने पूछा कि इस पूरी इको कार में ये 10 के 10 लोग सवार थे और ये पीलीभीत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल 5 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी जो 5 लोग है वो भी गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज जो है अलीगढ़ के JNMC मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। ये हादसा उस समय हुआ सुबह तकरीबन, क्योंकि ये लोग पीलीभीत के रहने वाले बताए जा रहे हैं और पीलीभीत की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे थे और सामने से कंटेनर आया। कंटेनर के सामने जोरदार टक्कर हुई है। इस भिड़ंत में आप देख सकते हैं जिस तरीके से कार के परखच्चे उड़ गए। तमाम जो लोग थे, काफी तेज आवाजगीर लोग मौके पर पहुंचे और वहां पर रेस्क्यू किया। हालांकि पुलिस भी, क्योंकि नजदीकी थाना था, पुलिस भी वहां पहुंची और मेडिकल जो टीम थी वो भी निकाली गई है। जी ठीक है प्रदीप, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।